थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ प्रभु का इस सुंदर वचन में आज आपके बीच में मैं लेकर आई हूँ। और प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आज वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा। और जो प्रभु का शब्द हम जो बोलते हैं कि आज हम आपके बीच में मैं लेकर आई हूँ कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। परमेश्वर की आवाज़ को हम कैसे सुन सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर की आवाज़ को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने अभी तक क्या है, परमेश्वर की आवाज़ को हमने नहीं सुना है, परमेश्वर हमारे से बात नहीं करता है। तो आज मैं आपसे बताना चाहती हूँ क्योंकि परमेश्वर आपसे कैसे बात करता है। हालेलुया। तो इसीलिए ये वीडियो लास्ट तक देखना है। और मैं आप सबको प्रभु के नाम से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जितने भी हमारे फैमिली ऑफ जीसस में जो यूट्यूब चैनल पे जो इस वीडियो को देखेंगे उनको भी प्रभु बहुत ऐसे आशीष और ब्लेस करें। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर कौन है और परमेश्वर की आवाज़ को हम कैसे सुन सकते हैं। सच में परमेश्वर हमारे पास आता है और परमेश्वर किसके द्वारा बात करता है, मैं आपको इस विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ। हालेलुया। तो मैं इसीलिए इस वीडियो को मैं लंबा तक नहीं खींचूँगी, सिर्फ 30 मिनट का मैं वीडियो बनाती हूँ क्योंकि आप लोगों को ना नींद ना आने लग जाए। तो इसीलिए मैं आपसे एक वचन लेकर आई हूँ और प्रभु के नाम से सच में आप ब्लेस्ड होगे। अगर इस वचन को अगर आप पकड़ोगे और मानोगे तो प्रभु आपको बहुत ऐसे ब्लेस करेगा। आइए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु के नाम से प्रभु, पवित्र आत्मा, जो आत्मा आज मेरे अंदर आप उड़ेले जा रहे हो यीशु मसीह, जो स्वर्ग का ताजी मन्ना को खुदाबंद खुदा आपके लहू में डांपते यीशु के नाम से प्रभु। आपने बोला है तेरे को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है यीशु मसीह। प्रभु आपने वादा किया है तेरे मुंह में अपने वचन को डालूंगा और वही सब तेरे मुंह से निकलेगा यीशु मसीह। प्रभु मेरे सर से लेके पैर के नाखून तक आपका लहू लगाते हैं प्रभु। आज जो वचन पिता अपने बच्चों के जीवन में पिता परमेश्वर जाए यीशु मसीह, वो बहुत ऐसे फल लेकर आने वाले बन सके यीशु मसीह। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा इनको खुदाबंद खुदा हर वचन पिता परमेश्वर इनके अंदर जाए और प्रभु वो वचन खुदाबंद खुदा इनके हृदय में मरे यीशु मसीह और बहुत ऐसे फल लेकर आना पाए यीशु मसीह। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सारी बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन 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 आमेन। सबको जय मसीह की। और मैं हमारे साथ निकालेंगे यूहन्ना का किताब फर्स्ट पर जब बहुत जल्दी निकालेंगे। हालेलुया। रख लगंदुर अवश्य वलखंदुर रख लगंदिन मंदुर वाला बंदो। मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है। हालेलुया। हम बताना चाहते हैं आपको कि परमेश्वर हम किस तरह तरीक़ा से बात करता है और हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। हम विश्वास करते हैं किसके ऊपर? मनुष्य के वचन के ऊपर करते हैं कि परमेश्वर का वचन के ऊपर करते हैं? तो आइए हम इस वचन को देखेंगे। यूहन्ना पहला यूहन्ना लिख। हाँ यदि मैं यूहन्ना ही पहले का पहला। हाँ यदि मैं आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहाँ पे लिखा हुआ है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर का साथ था और वचन ही कौन था? परमेश्वर था। हम ये भी बोल सकते हैं आदि में परमेश्वर था और वचन क्या था? परमेश्वर का साथ था। यानी कि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आदि में वचन था और वचन परमेश्वर का साथ था और वचन ही क्या था? परमेश्वर था। तो आज आपसे जो परमेश्वर बात करता है आपके परमेश्वर का हर एक एक वर्ड से हर एक एक वचन से भी आपसे आपके साथ परमेश्वर बात कर सकता है। तो इसीलिए आपको एक बोलना है हमारा बाइबल के अंदर जो भी वचन लिखा हुआ है ये परमेश्वर हमारे से बात कर रहा है। हर वचन क्या था? वचन बोलता है परमेश्वर ही है। तो हम पता है क्यों हम अपने लाइफ में इस वचनों को हम नहीं मानते हैं, क्यों हम इस वचनों को हम स्वीकार नहीं करते हैं? क्योंकि बाइबल बोलता है वचन ही कौन था? परमेश्वर था। अगर परमेश्वर ही वचन था तो आज हम वचन को क्यों नहीं मानते हैं? परमेश्वर के दास का निकले हुए शब्द को हम क्यों लेते नहीं हैं? हालेलुया।
तो इसीलिए जो शब्द जो मुंह से निकला हुआ हर एक एक शब्द क्या होता है, जो परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ हर एक एक शब्द क्या है, वो स्वयं परमेश्वर आपसे बात करता है। और वचन ही परमेश्वर था। आपको जो भी अगर आपको परमेश्वर के साथ ज्यादा बैठना है, आपको आपसे बात करना है ना, आपको बाइबल का वचन को पढ़ना पड़ेगा और उस वचन को आपको लेना है। उस वचन परमेश्वर का एक वचन हमारे लिए हमारी जिंदगी को बदल सकता है। अगर हम उस वचन को हम नहीं मानेंगे तो हम कभी भी, चाहे हम 10 घंटा प्रार्थना करें, अगर चाहे हम 3-4 घंटा वर्शिप करें, हमारे को कोई भी फायदा नहीं होता। अगर हम परमेश्वर के वचन को हम वैल्यू देते हैं, परमेश्वर के वचन को हम अगर अच्छे से हम संभाल के रखते हैं, वही वचन क्या करता है, एक दिन अच्छा सा फल लेकर आता है। एक दिन की बात नहीं, वो तुरंत काम करती है। हालेलुया। क्योंकि वचन कौन था? परमेश्वर था। वचन ही क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। हम फिर निकालेंगे तीसरी यूहन्ना 4 का, इब्रानी 4 का 2 फटाफट निकालेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि हमारे को ना क्यों 4 का 2, हाँ इब्रानी 4 का 2 फटाफट निकालो। हालेलुया। रखा लगन दुरा वैश्य वाला बंद रखा लगन दुरा मंदिर, क्योंकि हमें क्योंकि हमें उन्हीं का तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। पर सुने हुए वचन से उनको कुछ भी लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनाने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठे थे। विश्वास के साथ नहीं बैठा, यानी कि परमेश्वर को वचन को हम क्या कर दिया है? अनदेखी कर दिया है। इसीलिए उनके मन में क्या हुआ? नहीं बैठ पाया। जो हमने सुसमाचार बोलते, जो परमेश्वर की दास से निकला हुआ हर एक एक शब्द को आप ग्रहण करते हो, अपने परमेश्वर की दासों का यानी कि परमेश्वर का वचन में आपको क्या लिखा हुआ है, उस वचन को आप फॉलो करते हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हर काम जो तू चाहते तेरे लिए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या करता है, तुम्हारे अंदर विश्वास ना होने के कारण वो वचन क्या किया, बैठ नहीं पाया, कोई काम नहीं कर पाया। वो वचन तो हमने सुने तो है, लेकिन परमेश्वर का उस सुनने के द्वारा क्या हुआ, हमारे मन में नहीं बैठ पाया, ताकि हमारे को शक हो गया कि क्या पता ये वचन परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। हालेलुया। मैं आपको एक स्टोरी अभी सुनाऊंगी। प्रभु का परमेश्वर का जन परमेश्वर मैं पता है मैं आपको एक टेस्टमेंट दूंगी कि मैं ना प्रभु का वचन का वैल्यू बहुत देती हूँ। मैं परमेश्वर का दास का एक निकला हुआ वर्ड को मैं पकड़ लेती हूँ और मैं चिल्लाने लग जाती हूँ कि प्रभु ये मेरे लिए था। तो यही वचन यहाँ पे लिखा है। सुसमाचार तो आप लोगों ने सुन लिया है, परमेश्वर का वचन को तो सुन लिया है, लेकिन विश्वास ना होने के वजह से, आपने उस वचन को अनदेखी करने के वजह से आपके मन में क्या किया, वचन बैठ नहीं पाया। एक बार फिर पढ़ेंगे यही, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। हाँ जी। पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। हाँ, कुछ भी लाभ ना हुआ। उन्हें वचन 5 साल से सुन रहे, 2 साल से सुन रहे, कोई 1 साल से सुन रहे, कोई 6 महीने से सुन रहे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ, क्योंकि सुनाने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। सुनाने वाले के मन में, सुनने वाले के मन में विश्वास से नहीं बैठा। हमने उस वचनों को क्या कर दिया, हमने अपने पैरों के नीचे डाल दिया, हमने अनसुना कर दिया। इसीलिए क्या किया है हमारे जीवन में, जो आज हम चाहते वो काम हमारे को नहीं होता है। परमेश्वर ने अपने अपने वचनों के द्वारा सारी पृथ्वी को क्या किया है, बनाया है, सारे आकाश को बनाया है, परमेश्वर ने जीव जंतु को बनाया, परमेश्वर ने सारे पशुओं को बनाया, सब चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन वो वचनों के द्वारा। अगर उसी वचनों को हम वैल्यू नहीं देते हैं, उसी वचनों को हम परमेश्वर का वचन करके हम अपने आप को अपने हृदय में हम नहीं रखेंगे चर्च, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, चाहे कितने भी आप प्रेयर करो, चाहे कितने भी आप फास्टिंग पे रहो, आपका लाइफ में कभी काम नहीं होगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने वचन संहिता में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने वचनों को बहुत महत्व देता है। अगर हम उस वचनों को हम महत्व तो नहीं देंगे, तो हम कितने भी विश्वासी क्यों ना हो, लेकिन हम कभी भी उस सक्सेस को नहीं देखेंगे। अगर आपको सक्सेस में चलना है, तो परमेश्वर को वचन को लेना है और उस बोलते जाना है।
हालेलुया, बोलते जाना है। जैसे हमारे पता है, जैसे परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया ना अपने मुंह के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा क्या किया है, ऐसे ही हमने अपने लाइफ को सेट कर सकते हैं, अमीरता में जा सकते हैं, जो चाहते हैं अपने माउथ के द्वारा हम ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है जैसे तुम बोलोगे तुम्हारे लिए वैसे ही हो जाएगा, जैसे आप सोचते हो आपके लिए ऐसे हो जाएगा। जब जबकि आपने वचन को क्या करोगे, वैल्यू दोगे कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या बोलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर का वचन अगर बाइबल के अंदर लिखोगे, कभी भी आप परमेश्वर के दासों को देखोगे उनके कभी कमी में नहीं चले, क्योंकि परमेश्वर ने जो वादा किया था वो हमारे जीवन में आज भी पूरा होता है। हालेलुया, तो इसीलिए परमेश्वर के वचन को वैल्यू देना हमारे लाइफ में बहुत जरूरत है। अगर हम परमेश्वर के वचन को क्या कहते हैं वैल्यू नहीं देते हैं, तो वहाँ पे पता है हम हमारे लाइफ में कभी भी काम नहीं होगा। मैं एक आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, तो वही विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, उसी परमेश्वर का दासों का वचन को पकड़ने वाला होना चाहिए आपको। अगर जो बात अगर आप सच में चर्च में कोई प्रोफेसी हो रहा है, जो आपके पास्टर लोग, आपके भविष्यवक्ता लोग, आप चाहे आपके लिए कर रहे चाहे दूसरे के लिए भी कर रहे, और उस टाइम आपने रिसीव भी कर लिया ना, वो वचन आपके लाइफ में काम करता है। हालेलुया, तो प्रभु का वचन को हमारे को महत्व देना है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने अपने वचन को क्या किया था, महत्व दिया था। जब परमेश्वर ने, जब आकाश बेडर और सुनसान था उस जगह में, बाइबल बोलती है क्या था, अंधेरा छाया हुआ था और परमेश्वर का आत्मा उस जगह में मंडराता था, लेकिन वहां पे वचन नहीं था। जब परमेश्वर का वचन आया, परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला उजाला हो, तो वहां पे उजाला हो गया। तो इसीलिए उस वचन को हमें क्या करना है, महत्व देना है। जो परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने सारे जीव जंतु को बनाया, परमेश्वर ने पहाड़ों को बनाया, जंगलों को बनाया, उसी तरीका से हम हर चीजों में अपने परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, प्रभु का स्तुति हो गए। मैं एक वचन आपको फिर मैं बताती हूँ, हम निकालेंगे शायद निकालेंगे हम मत्ती का किताब, आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना, मैं जल्दी ख़त्म करूँगी। आपको एक ध्यान से सुनना है चर्च, क्योंकि आप अगर आज वचन को अगर मैं अपने हृदय में ले लोगे ना, तो प्रभु आपको पता है बहुत ताय से आपको बढ़ाएगा। 8:5 से पढ़ेंगे, जब वह कफरनहूम में, जब वह कफरनहूम में आया, तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हालेलुया, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लगवा रोग में बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। हालेलुया, यहाँ पे एक सूबेदार, एक परमेश्वर का जन नहीं है, एक सूबेदार आता है, एक कोई अच्छा क्या कहते हैं, एक अच्छा कर्मचारी आता है और क्या कहता है, यीशु के पास आकर उसको प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है, कि बोलता है मेरा क्या है, मेरा जो सेवक है घर में लकवा का रोगी से क्या हुआ है, पड़ा हुआ है, वो उसके लिए वो विनती कर रहा है वहाँ पे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज हम अपने अपने को देखते हैं लेकिन हम दूसरे को नहीं देखते, लेकिन यहाँ पे लिखा है अपना सेवक क्या था, लकवा में पड़ा हुआ था, वो अन्य जाति के लोग आके यीशु के ऊपर विनती कर रहा है, बोल रहा है हे प्रभु मेरा सेवक क्या है, क्या कहते हैं, लकवा में पड़ा हुआ था, तो उस जगह में यीशु के विषय में शायद उसने सुना होगा, इसलिए उस जगह में क्या कहता है वो आता है। और सूबेदार, आप बताओ, बड़ा ऑफिसर है एक जगह में देखोगे तो बहुत अच्छा बड़ा ऑफिसर है, वो ऑफिसर आकर यीशु के पास आकर और विनती करता है और बोलता है मेरा सेवक क्या है, लकवा में पड़ा हुआ है, वो खाट में से उठ नहीं पाता है, वो विनती कर रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। हाँ, उसने यीशु ने फिर जवाब देता है, मैं क्या करूँगा, मैं तेरे घर में आ रहा हूँ और आके क्या करूँगा, मैं उसको चंगा करूँगा। परमेश्वर ने उसी टाइम जब उत्तर दे दिया कि मैं क्या करूँगा, मैं तेरे घर पे आऊँगा और मैं क्या करूँगा, उसको मैं चंगा करूँगा। हाँ, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हाँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ मेरी छत तले आए और तू मेरे छत के तला आए,
परंतु केवल मुख से कह दे, केवल मुंह से कह दे, बोलता है वचन चाहिए था उसको, कहता प्रभु मैं पता क्या हूँ, मैं अपराधी मनुष्य हूँ, मेरे नीचे बहुत सारे कर्मचारी हैं, मैं उनको डांट डर कर काम करवा सकता हूँ। हाँ इसमें पढ़ेंगे, हाँ 9 का पढ़ेंगे आगे, क्योंकि मैं भी प्रधीन मनुष्य हूँ हाँ। और सिपाही मेरे अधीन है, सिपाही मेरे अधीन है, जब मैं एक से कहता हूँ, जब मैं एक से कहता हूँ जा, तो वह जाता है, वो जाता है, और दूसरे से कह आ, दूसरे से कहता हूँ आ तो आना पड़ता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। हालेलुया, वो बोलता है प्रभु मैं अपराधी मनुष्य हूँ, क्योंकि मेरे नीचे बहुत सारे क्या है, मेरे नीचे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे दास लोग हैं, जो मैं जैसे कहती हूँ उसको करना पड़ता है, क्योंकि मैं क्या हूँ, एक अच्छा पोस्ट में हूँ, कि मैं उनको पता है डांट के भी काम करवा सकता हूँ, मैं बहुत सारे चीज़ें मेरे जीवन में सर क्या करता हूँ, प्रभु को बात कर रहा है, परमेश्वर को बोल रहा है कि मैं आपके योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर के तला आ सकते हो, लेकिन बाइबल बोलती है तो वहाँ पे बोल रहा है। हाँ फिर क्या कहते हैं, फिर 8 का पढ़ेंगे, सुबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा, केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुंह से निकला हुआ हर एक एक वचन पता है पावरफुल है। तो अगर इसने बोल दिया प्रभु मेरा विश्वास है कि तू अपने मुंह के सब से क्या कह दे और कह दे और क्या करूंगा, मेरा विश्वास है कि उसी घड़ी वो चंगा हो जाएगा, क्योंकि उसको वचन को पता था, उसको वैल्यू, उस वचन का वैल्यू को उसको पता था कि यीशु जो बोलेगा वो हो जाएगा। तो आज हम पता है परमेश्वर के दास जब बोलते हुए हम पागल हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के जन लोग क्या होते हैं, सुनते नहीं, ना सुनने के वजह से आज वो क्या है, आज लैक ऑफ नॉलेज में है, उनको नहीं पता, ये सोचते होंगे कि अपने मन से बोलते, पर परमेश्वर का वचन मुंह से निकला हुआ हर एक एक वचन क्या है, एक सामर्थ्य है। हालेलुया, यहाँ पे बोलता है प्रभु मैं अपराधी मनुष्य हूँ, प्रभु मैं एक बहुत क्या हूँ, बहुत दुख, एक मैं एक राजा जैसा हूँ, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ नौकर मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनको डांटता भी हूँ, सब काम करती हूँ, लेकिन प्रभु तू यही से कह दे तेरे मुंह से क्या हो जाएगा, जो तेरा मुंह का शब्द जो निकलेगा ना उसी चीज से मेरा सेवा क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। हाँ फिर 10 पढ़ेंगे, यह सुनकर यीशु अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। आमेन। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत बहुत नहीं नहीं ये मत पढ़ना अब कर, फिर जाके 12 का 13 का पढ़ दे। तब यीशु ने सुबेदार से कहा जब उसने बोला कि प्रभु तेरा वचन मेरे लिए काफी है, जब वो सुबेदार ने बोला था प्रभु तेरा वचन मेरे लिए काफी है, तू कह दे मेरा सेवक इस घड़ी क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, तो वहाँ पे फिर क्या कहता है परमेश्वर ने बोला, हाँ यीशु ने बोला फिर, जैसा तेरा विश्वास है ऐसे तेरे लिए हो जा। उसने अपने परमेश्वर का सब को उसने ले लिया और क्या कर दिया, यहाँ पे बाइबल बोलती है और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आमेन। तो इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों का, जब तक हम परमेश्वर के उस वचन को हम फॉलो नहीं करेंगे, परमेश्वर के दासों के बातों को हम फॉलो नहीं करेंगे, कभी भी हम सक्सेस में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन को हम मान्यता लेना है, परमेश्वर के दास ने आपको बोला हुआ है उस वचन को आपको क्या करना है, रिसीव करना है और उसी में चलना है, यही परमेश्वर का वचन है। बाइबल में लिखा है हर एक एक वचन परमेश्वर ने आपसे वादा किया हुआ है, डर मत मैं तेरे संग हूँ, हर एक दिन परमेश्वर आपसे बात करता है, लेकिन आज हम क्या करते हैं, लोगों से डरते हैं, हम समाज से डरते हैं, हम हर चीज़ों से डरते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमारे को बोल रहा है डर मत मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, हर एक एक दिन परमेश्वर ने हमें हमसे वादा करता है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन
बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचनों को क्या किया है, वैल्यू दिया है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन को संभाल के रखा है। बाइबल में देखोगे परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा क्या हुआ, लोगों को चंगा किया है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन के द्वारा तुम क्या हो जाओगे, चंगे हो जाओगे। तो आज हम वचन को क्या करेंगे, नहीं मानते हैं। अगर पास्टर लोग बोलते हैं कि आज आप क्या हो, यीशु के मार खाने से आप चंगे हो, लेकिन उसी घड़ी उनको अगर नहीं मिलता है चंगाई, तो पता है क्या बोलते हैं, सर अभी तक मेरा क्या है, पास्टर जी अभी तक मेरा पेट में दर्द हो रहा है। वचन में तो लिखा हुआ है, लेकिन उस वचन को लेना है। परमेश्वर के दासों ने क्या किया है, परमेश्वर के दासों ने बोला हुआ एक शब्द को मानना हमारे लिए बहुत जरूरत है। अगर हम नहीं मानेंगे तो हम कभी भी इस परमेश्वर को हम नहीं पहचान सकते। आप परमेश्वर के आवाज़ को कभी भी नहीं सुन पाओगे। एक दिन मैं परमेश्वर के दासों का मैं सुसमाचार सुन रही थी, तो उस टाइम पता है परमेश्वर के दासों ने बोला, मेरा आँख में बहुत मैं देख भी नहीं पा रही थी, छोटा छोटा अक्षर, जैसे ये मैंने आपको बाइबल दिखा रही हूँ, बहुत छोटा अक्षर का बाइबल है। तो उस टाइम पता है परमेश्वर के दासों ने, जब मैंने वो वीडियो ऑन किया तो वो बोल रहे एक काम करना, तुम क्या करो, बाथरूम में जाओ, अपने आँखों को क्या करो, साफ करो पानी से। तो मैंने, अगर मैं उस टाइम उनके बातों को फॉलो नहीं करती ना, तो मैं आज तक क्या रहती, मैं अंधी रहती। उस टाइम मैंने क्या किया, उस परमेश्वर के दासों को बातों को मैंने फॉलो करी। उसी टाइम मैं वॉश मशीन में गई, और वहाँ जाने के बाद मैं अपने आँखों में पानी का छिटा मारी, और मैंने सच में, और तौलिया से मैंने पूछ के जब मैं बाइबल पढ़ने लगी, पूरी रीति से मैं देखने लग गई। अभी तक मेरा कोई भी चश्मा नहीं लगा हुआ है। तो अगर हम परमेश्वर की वर्ड को, परमेश्वर के वचन को अगर हम अपने लाइफ में अगर रिसीव करते हैं, तो वही वचन आपको जीवन देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, एक ज्योति है। परमेश्वर का वचन आपको जीवन देता है। परमेश्वर का वचन ही जो आपको चंगा करता है। परमेश्वर के वचन ही जो आपको अमीरता में लेकर जाता है। परमेश्वर के वचन ही जो आपको सारी चीज़ों से मदद करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन में क्या है, एक पावरफुल है। परमेश्वर ने अपने वचन को ऑटोमेटिकली क्या किया है, खुद दर्जा दिया हुआ है। परमेश्वर ने अपने वचनों को खुद वैल्यू दिया हुआ है। इसीलिए उस वचन के साथ हमारे को चलना है। हालेलुया। तो एक बार क्या हुआ होता है, परमेश्वर का जन्म के, देखो मैं एक मत्ती का निकालेंगे किताब। जी हालेलुया। रखा लगंदरा बैशा वाला खंडेर रखा लगंदरा मंदिर रखा लगंदरा बैशा वाला खंडेरा मंदिर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद। रखा लगंदरा बैशा वाला खंडो रखा लगंदरा बैशा वाला बंदो रखा लगंदरा मंदिर रा वाला बंदो रे बाला बंदो रसा वाला खंडे न मंदो शरा वाला खंडे न मंदो रखा लगंदरा बैशा वाला बंदो रखा लगंदरा मंदो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रखा लगंदरा बैशा वाला खंडो रखा लगंदरा मंदो रखा लगंदरा बैशा वाला खंडो रखा लगंदरा। एक जगह में लिखा हुआ है परमेश्वर का जब जन्म होना था, परमेश्वर ने क्या किया है, मरियम को सपने में दिखाई दिया। कहाँ पे छोरी हो कम, हालेलुया। रखा लगंदरा बैशा वाला खंडो रखा लगंदरा मंदो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। रखा लगंदरा बैशा वाला खंडो रखा वाला बंदो रखा वाला बंदो रखा लगंदरा मंदो रखा वाला बंदो। हाँ, एक जगह में लिखा है परमेश्वर ने, परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और मरियम को बोलता है कि तू क्या होगी, एक पुत्र को जनेगी। तो उस टाइम ना मरियम बता रही थी कि अपने स्वर्गदूत से बात कर रही थी कि मैं कैसे पुत्र को जन्म ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई पति नहीं है। तो परमेश्वर का स्वर्गदूत बोलता है कि तेरे पास क्या होगा, एक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा तू क्या करेगी, पुत्र जन्मेगी। अगर वो इधर उधर की बातें को सोचती ना, वो कभी भी यीशु को जन्म नहीं दे पा रही थी। लेकिन उस जगह में उस परमेश्वर का दूतों को वचन को फॉलो करी। उसमें वहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा तेरे वचन हो, तू जैसे तू बोलेगा तेरे वचन के द्वारा हो। तो उसी टाइम जब वचन को उसने ग्रहण किया ना, तो उसने गर्भ में क्या पाई, यीशु को जन्म ले ली थी। तो सबसे बड़ा वैल्यू, अगर हम वचन को नहीं देंगे तो हम कभी भी सक्सेस को नहीं देखेंगे। हालेलुया। तो बहुत सारे चीज़ें जो मैं आपको वचन के द्वारा बता सकती हूँ, वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन के द्वारा हम एक क्या करते हैं, एक अमीरता में जा सकते हैं। हम अपने गरीबी को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा डांट सकते हैं। और उस जगह में लिखा हुआ है, हम अमीरता को अपने मुँह के साथ बोल सकते हैं।
जब हम वचन परमेश्वर ने परमेश्वर का वचन में लिखा है, इफिसियों 1:3 में लिखा है तुम्हारे को क्या क्या है स्वर्गीय स्थान में बैठाया गया है। आज भी हम उस वचन को फॉलो नहीं करते तो आज हम कहाँ पे इसी संसार में हैं, लेकिन सच में हम परमेश्वर के स्वर्गीय स्थान में हम बैठाए गए, कोई भी कमी को हम नहीं देखेंगे। ये परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, तुम क्या हो स्वर्गीय स्थान में बैठा गए हो, कोई भी प्रकार का कमी तुम्हारे जीवन में नहीं हो पाएगा। तो आज हम वचन नहीं पता है और वचन को वैल्यू ना देते हैं, तो वचन क्या कहता है विश्वास के साथ हमारे हृदय में हमने बसने नहीं दिया, हम उस वचनों को क्या किया अनदेखा करने के वजह से आज हम क्या है उसी मुसीबत में है, उसी चीजों में है। हालेलुया। हाँ उसमें लिखा है लूका का किताब में लिखेंगे, हाँ 26 में पढ़ो। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुवारी के पास भेजा गया, हाँ जी, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने से एक पुरुष से हुई थी। हाँ। उस कुवारी का नाम मरियम था। उस कुवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहा आनंद और जय तेरी हो। हाँ। आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई। जब परमेश्वर का स्वर्गदूत परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा उस वचन को लेकर कि तू क्या करेगी एक क्या होगा एक पुत्र जन्मेगी, तो वो घबरा गई। वो घबराने का मतलब वो डर गई कि ये कैसे हो सकता है। हाँ। और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। हाँ जी। स्वर्गदूत ने उससे कहा हे मरियम भय भाती ना हो। हाँ। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसका पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। यस। और याकूब के घराने। हाँ, आप पढ़ेंगे 34। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमेन। आप फिर बोलेंगे हम 38। मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूँ। हाँ, मरियम ने कहा देख मैं परमेश्वर की दासी हूँ, मुझे तेरा वचन के अनुसार हो। मुझे तेरा वचन के अनुसार हो, वो वचन को फॉलो कर रही है यहाँ पे। हाँ। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। उस वचन के इंतजार कर रही थी, उसने उस वचन को टाली नहीं, उसने बोला तेरा जैसे तूने बोला है उसी वचन के अनुसार पूरा हो। तो उसने जब परमेश्वर का जब उसने वचन को रिसीव कर ली तो यहाँ पे आज मरियम का नाम क्या है एक जीवन के पुस्तक में लिखा गया है। वो परमेश्वर का जन परमेश्वर की दासी ने कल किसी को भी ना देखी, लेकिन परमेश्वर के उस शब्द को देखी, परमेश्वर के उस वचन को देखी और क्या करी यीशु को जन्म दे दिया है। क्योंकि उसके पास मंगनी हो चुका था, उसके बाइबल बोलती है उसके मंगनी भी हो चुका था, लेकिन वो बोलती थी प्रभु कैसे संभव है मैं अकेली कैसे उस बच्चे को जन्म दे सकती हूँ, लेकिन स्वर्गदूत ने बोलता है तेरे पास पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करेगा पुत्र को जन्माएगा जन्म देगी, वो पवित्र कहलाएगा। तो प्रभु का जो धन्यवाद है परमेश्वर ने उस मरियम के कोख को पवित्र किया है। हालेलुया। तो इसीलिए उसने उस शब्द को देख रही थी, परमेश्वर का जब शब्द आया तो वहां पे क्या करी प्रभु बोलने लगी प्रभु आपका शब्द के द्वारा आपके वचनों के द्वारा क्या हो जैसा आप चाहते हो ऐसे ही हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मुझे तेरे वचन के अनुसार है। आज हम अपने आप को परमेश्वर के वचन को हम फॉलो नहीं करेंगे कभी जिंदगी में, हम क्या करेंगे उस सक्सेस को नहीं देखेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन को वैल्यू देना, परमेश्वर के दासों का शब्द को जो निकलता है उनके शब्द से जो परमेश्वर के वचन के अनुसार निकलता है उनको अगर हम वैल्यू नहीं देंगे तो हम कभी भी सक्सेस को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब परमेश्वर के मार खाने से तुम चंगे हो, तो ये वचन को हम अपने लाइफ में क्लेम करना है, अपने लाइफ में हम देखना है, तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष देगा। वचन को याद करना है,
परमेश्वर के वचन को वैल्यू देना है, परमेश्वर के दासों के शब्द को वैल्यू देना है। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको सबको आशीष देगा, मैं विश्वास करती हूँ। इसीलिए अपने वचनों को क्या करना है, आप परमेश्वर के वचनों को रिसीव करना है, परमेश्वर के वचनों को। परमेश्वर के दास से जब आपसे बात करते हैं तो क्या करते हैं, वचन। अब मैंने कितने वर्ड में दिखा सकती हूँ आप लोगों को कि वहाँ पर लिखा हुआ है वचन के द्वारा लोग मरते थे, परमेश्वर के दास लोग जो शब्द के द्वारा परमेश्वर का मुँह से निकला हुआ हर एक एक वचन क्या करता है, वो पकड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। तो यही ग्रेस आपके अंदर आना चाहिए। आप कहीं पे भी जाते हो, किसी चर्च में भी जाते हो, लेकिन परमेश्वर का सब जो बाइबल के रिकॉर्डिंग अगर परमेश्वर के दास से निकल रहा है वचन, उसी टाइम आपको क्या करना है, रिसीव करना है। और वही रिसीव जब आप करते हो और वो बहुत आय से आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, वचन को आप अंदर लेते हो, आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, तो आप फलों को देखते हो। अगर हम वचन को जानकर वचन को क्या कहते हैं, इसलिए उसमें लिखा है रोमियो किसमें, इब्रानी के किताब में लिखा है 4:2 में, एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में क्या हुआ, वचन को अपने विश्वास के द्वारा हम क्या करने लगे, हम अपने हृदय में नहीं रखा। हाँ फिर पढ़ेंगे, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। क्योंकि हमारे को सुसमाचार तो हमने सुने हैं, परमेश्वर ने भविष्य वक्ताओं ने आपके ऊपर प्रोफेसी तो किया है, वचन को तो सिखा रहे, लेकिन पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। सुने हुए वचन से उनको कुछ भी लाभ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि सुनने वालों ने मन में विश्वास, सुनने वाले ने मन में क्या किया, विश्वास ही नहीं किया। तो इसीलिए आज वो वहाँ पे क्या है, वो लोग जहाँ के तहीं हैं। आज उनके जीवन में क्या है, आज भी कमी है, उनके जीवन में आज भी बीमार में है, उनके घरों में आज भी वो लड़ाई झगड़ा है, उनके घरों में बच्चे पिता पुरुषों आज्ञाकारिता नहीं है, उनके घरों में बच्चे नशेड़ी हैं, उनके पति नशेड़ी हैं, वो स्वयं ऐसे हैं, क्योंकि उनने क्या किया है, विश्वास नहीं किया है। जब विश्वास कर उस परमेश्वर के वचन को हम वैल्यू देते हैं, परमेश्वर के दासों के वचन को वैल्यू देते हैं और पूरी रीति से क्या करते हैं, वो हम क्या करते हैं, उस वचनों को हम रिसीव करते हैं और हम क्या करते हैं, एक प्रेग्नेंट हो जाते हैं, उसी के द्वारा हम बहुत बड़ा फल लेकर आते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको सबको आशीष देगा। और क्या करेंगे, इस चैनल को एक बार फिर से हमारे को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और इस वीडियो को और जगह में क्या करना है, शेयर करना है। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। आइए अपने आँखों को बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपका नाम मेरे जीवन से ऊँचा हो यीशु मसीह। प्रभु जो भी वचन पिता परमेश्वर आपने स्वर्गीय मन्ना को दिया है यीशु मसीह, प्रभु आपके वचन को वैल्यू देने वाले यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जितने लोग आज वचन को वैल्यू दे रहे वो बहुत ताय से अमीरता में जा रहे यीशु मसीह, उनके जीवन में कोई भी कमी को नहीं देखते यीशु मसीह। जो प्रभु वचन को हम सुनकर नहीं मानते यीशु मसीह, उसको हम वैल्यू नहीं दे रहे यीशु मसीह, प्रभु पवित्र आत्मा उस वचन के द्वारा खुदावन खुदा आज हम उसी जगह में है यीशु मसीह। और प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन खुदा, यूट्यूब चैनल में देखने वाले हर लोगों के लिए खुदावन खुदा ये वचन उनके हृदय के पट्टी में लिख ना पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका सामर्थ उनके जीवन में काम करे प्रभु। आगे के समय को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन। सबको प्रभु बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।